Hope you are healthy and happy at your home. Yes. Today in our maths class, we will learn multiply by 10, 100, 1000 and 10,000. Okay, multiply by 10. 10 का टेबल सबको आता है, या फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करने के लिए, 100 करने के लिए, 1000 या 10,000 करने के लिए क्या करना है? चलो एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं. यस, फर्स्ट वी हैव 4397 मल्टीप्लाई बाय 10. वी नो दैट किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज सेम नंबर. तो यहाँ पे 10 है, उसमें से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 4397 मल्टीप्लाई बाय 1, तो प्रोडक्ट इज सेम नंबर. अब 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर एक जीरो. इन द सेम वे वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. 228 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 228 वी हैव 20 इन 100, सो वी हैव टू पुट 2 टाइम्स 0 राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट. 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट मिलती है उसकी राइट साइड पे और 2 जीरो लगा दे रहे हैं क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सेम वे 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी नंबर है हमारे पास. 34 वन जा 34. नाउ 3 टाइम्स 0, 1 2 3, द आंसर इज 34,000. वैसे भी 34 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 34,000 ही मिलेगा. सेम वे 10,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, द आंसर इज 20,000. 10,000 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20,000 ही आने वाला है. सो द आंसर इज 20,000. ये तो बात हुई सिंपल से 10, 100, 1000 और 10,000 से मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और ऊपर से साइड में उसको 0 लगा देना है. अब बारी है मल्टीप्लाई बाय 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे सम्स की. तो आपको कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई बाय 20, वैसे तो आप ऐसे ही करते हो 3 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 20 है ना, ये तो आपने सीखा हुआ है. बट ऐसे करने के बजाय आप लोग मल्टीप्लाई बाय 2 सीधा कर सकते हो. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. That means 2 से multiply. 6 4 6 4. And now you know that के आगे एक 0 है, तो वही 0 हम यहाँ पे लगा देते हैं. तो answer is 64,640. अब देखो यहाँ से 0 है और वो 0 करोगे तो भी यहाँ पे answer वही आएगा, है ना? चलो now same thing, 218 multiply by 300. तो लेट्स डू 218 मल्टीप्लाई बाय 3. हमें 300 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रूल्स पता है, जितने जीरो है उतने जीरो आपको राइट साइड पे लगा देने हैं. सो 218 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24, 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 2 जा 6, द आंसर इज 654. और यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस है तो 2 जीरोस लगा देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 65,400. नाउ और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं और स्टार्ट करते हैं. 36 मल्टीप्लाई बाय 2000. द सेम वे हमें 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 36 2 जा 72 और उसके ऊपर 1 2 3 टाइम्स 0 है तो 3 टाइम्स 0 राइट साइड पे लिख देना है. द आंसर इज 72,000. Next is 2137 multiplied by 50. Yes, आपको यदि horizontal multiplication नहीं आते तो आप इस तरह से multiply कर दो. 7 5 is 35, 3 carry over, 5 is 15 plus 3 18, 1 carry over, 5 is 5 plus 1 6, 2 5 is 10. So we have 10,685. बट ये तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, हमें करना है 50 से और एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा तब आपका आंसर मिलेगा 1,06,850. सेम वे 170 मल्टीप्लाई बाय 5, 170 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 जा 35, 3 कैरी ओवर, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 1 जा 5, 585.
here we have 2 times 0, so we have to put 2 0 right side of the number. Now see, same way 3 2s are, 3 2s are 6. अब काउंट करो कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स जीरो लिख दो, 1 2 3 4. हम पहले क्या करते थे, कोई भी एक ही साइड पे जीरो होते थे, या तो यहाँ पे या तो इस साइड पे, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही साइड है, पर यहाँ पे क्या है, दोनों वाली डिजिट में है, इसीलिए हमको दोनों के एंड करके काउंट करके फिर बाद में जीरो लगाने हैं. चलो और एक समझते हैं, 4 3 4 3 12. नाउ 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 times 0. मिल गया हमें हमारा आंसर. अगेन नेक्स्ट, 230 multiplied by 6. 6 3 are 18, 1 carry over, 6 1 are 6 plus 1 7, 6 2 are 12, 1278. अब जीरो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, the answer is 12,78,000. आगे के और एग्जांपल समझते हैं. Now let's see some more examples. Here we have 30 multiplied by 500, 3 5 are 15. Same way 1 2 3 3 times 0, the answer is 15,000. Now next, 148 multiplied by 7 करके देख लेते हैं. उसके आंसर के साथ जीरो साथ में लिख देंगे. 8 7 are 56, 5 carry over, 7 4 are 28 plus 5 29, 2 carry over, 7 1 are 7 plus 2 9, 996, 1 2 2 times 0. चलो नेक्स्ट वन, 19 7 are, आपको टेबल आते ही होंगे. 19 7 are 133, 1 2 2 times 0. नेक्स्ट, 23 4 are, 23 multiplied by 4 करते हैं तो आंसर इज 92, 1 2 3 3 times और 0, द आंसर इज 92,000. लास्ट टू इज रिमेनिंग, लेट्स सी. 110 multiplied by 800, वी हैव 11 and 8, 11 8 are 88, 1 2 3 times 0, the answer is 88,000. Next, 7 multiplied by 18, 18 7s are, what is 18 7s are? 126. How many zeros we have tried? 3. The answer is 126,000. Hope you understand all these fill-ups. ऐसी ही फिलअप्स आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस 3.5, 3.6 और 3.7 में है, जो आपको नोटबुक में भी करनी है और टेक्स्ट बुक में भी करनी है. नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेट्स सी व्हाट इज दिस. आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था और समझा भी था कि किसी भी नंबर को हम जीरो में ऐड करते हैं तो आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, या किसी नंबर में से जीरो माइनस करते हैं, दैट मींस कुछ भी माइनस नहीं कर रहे तो आंसर इज नंबर इटसेल्फ. फिर कोई भी नंबर हम एडेंट से, दो एडेंट से अलग अलग, तो हम उसको उसका जो नंबर है, उसका जो सिक्वेंस है, वो इधर उधर करके भी वही सेम आंसर हम ला सकते हैं. जैसे कि 3 plus 2 is equal to 5, अभी हमने 3 plus 2 के बदले 2 पहले लिखेंगे तो 2 plus 3 also the answer is 5. The same way we have some properties of multiplication. Let's see what is this. Fill-ups solve करते जाते हैं और properties समझते जाते हैं. First fill-up is 136 multiplied by 0. किसी भी number को 0 के साथ multiply करते हैं तो answer 0. Yes. वो आपने second और third standard में सीखा हुआ ही है. किसी भी number को 0 से multiply करते हैं तो answer is 0. तब आप 1 digit और 2 digit सीखते थे. हमें सिर्फ वही चीज़ याद रखनी है कि चाहे कितने भी डिजिट हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, बट यदि हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर इज 0. कितने भी नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई करके 0, इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. चलो सेकेंड वन, 25 0s are 0. अब 0 multiplied by 2097, 0 बाद में 0 से मल्टीप्लाई करें या पहले 0 से करें, तो आंसर को 0 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर इज 0. द
Let's see another figure. 136 multiplied by 1. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज नंबर इटसेल्फ. 136 मल्टीप्लाई बाय 136. आप में हम टेबल्स बोलते हैं तो टेबल्स में पता ही है 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, मतलब 4 1 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 5 1 5, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5. द सेम वे 136 136. 125 25 लिखो या 125 लिखो, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज नंबर इटसेल्फ 25. द सेम वे 1 multiplied by any number or any number multiplied by 1, the answer is number itself. Got it? दो property हमने Phillips के आधार पे समझ ली, सीख ली. देखते हैं आप third property क्या समझा रहा है? देखो, 9 multiplied by 27 is equal to dash multiplied by 9. आपको इसमें multiplication करना नहीं है, इसमें आपको number लिखना है कि ऐसा कौन सा number होगा यहाँ पे जिसको आप multiply करोगे तो दोनों साइड आंसर सेम मिलेंगे. ऑब्वियसली दोनों साइड 9 9 है तो हमें कौन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 27 से, तभी तो 27 9 27 9 27 है, दोनों का आंसर सेम ही आता है. दैट मींस जैसे एडिशन में हम करते थे पहले वाला नंबर बाद में लिखते थे एडिशन के बाद, और एडिशन के बाद वाला नंबर एडिशन से पहले लिखते थे, तो अभी हमें सम सेम मिलता था. वही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है. दैट मींस इक्वल टू के दोनों साइड देख लेना है. व्हिच नंबर इज मिसिंग? 27. तो फिलअप में लिखना है 27. उसमें प्लेस चेंज करें, नंबर उधर सेलेक्ट करें, तो भी हमारा आंसर चेंज होगा नहीं. चलो सेकंड वन, 58 मल्टीप्लाई बाय 71. हियर वी हैव 71. व्हिच नंबर इज मिसिंग? 58. तो हमें लिखना है 58. तो दोनों का आंसर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा. 58 को 71 से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले 71 लिख के उसको मल्टीप्लाई कर 58 करो, दोनों का प्रोडक्ट सेम मिलेगी. चलो थर्ड वन, 4521 मल्टीप्लाई बाय 3. हियर वी हैव 4521. व्हिच नंबर इज मिसिंग? 3. और एक समझते हैं, दोनों साइड 24 24 है, व्हिच नंबर इज मिसिंग? 870. तो फर्स्ट फिलअप में लिखना है 870. इस फिलअप में आपको यही समझना है इक्वल टू के दोनों साइड व्हिच नंबर इज मिसिंग. ये दो ये एक प्रॉपर्टी हुई, और वो हुआ कि प्लेस चेंज करने से, मतलब उसकी सीक्वेंस चेंज करने से हमारी प्रोडक्ट सेम आती है. ये हुआ टू, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 ही डिजिट में, 2 ही नंबर में बात हुई. अब बात करते हैं 3. जब 3 नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करना हो तब, तो भी सेम है. इसमें आपको तीनों नंबर साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली पहले दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, उसका जो आंसर आएगा उसको आप थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. एडिशन की तरह तो है नहीं कि सारे एडिशन के सीक्वेंस में साथ में लिख दो और साथ में एडिशन कर दो, वो तो हम कर नहीं सकते. इसीलिए उसके लिए प्रॉपर्टीज बनाई हुई है. तो ये प्रॉपर्टीज में हम समझेंगे कि किस तरह से 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो 208, 195 और 568 3 नंबर्स है. चलो उसके लिए हमें कोई भी दो नंबर का पहले एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना है. 208 मल्टीप्लाई बाय 195, फिर उसका जो आंसर आता है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर उसका जो आंसर आता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 568 से. नाउ ये 3 नंबर यदि हम ऐसा करें, उसके बदले पहले 195 मल्टीप्लाई बाय 568 का मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद उसका जो आंसर आता है उसको हम 208 से मल्टीप्लाई करें, तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगी. दैट मींस ऐसी फिलअप्स में हमें करना है इक्वल टू की दोनों साइड देखनी है. व्हिच नंबर इज मिसिंग? सबसे पहले 208 था, यहाँ पे मिसिंग है.
195 है, 568 है, तो which number is missing? 208. तो हमें वही नंबर लिखना है जिसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया हुआ है, ब्रैकेट में ये दो नंबर थे उसके बाद ब्रैकेट में ये दो नंबर लिए, तो वो हम कर सकते हैं। चलो और एक सिंपल से डिजिट से मतलब सिंपल से नंबर के साथ समझते हैं। 315 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 पहले कर दिया था, हमें कौन से दो नंबर मिसिंग है? 15 और 20, तो वही दो लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड करोगे तो आंसर सेम मिलेगा। चलो नेक्स्ट 152, 133, 121, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। फर्स्ट फिलअप है, सेकेंड भी फिलअप है, और कौन सा नंबर दिया हुआ है? 121, ये नंबर दे दिया है। विच टू नंबर्स आर मिसिंग? 152 एंड 133, तो हम दो फिलअप से दोनों में लिख देते हैं 152, 133। तो ये हमारी हो गई फोर प्रॉपर्टी, जिसमें आगे सिक्स और सेवन स्टैंडर्ड में ये प्रॉपर्टीज का ज्यादा यूज आएगा। इसमें आपको यही समझना है कि इक्वल टू के दोनों साइड जो नंबर मिसिंग है वो नंबर लिख दो, क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन करने नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करना सिक्स एंड सेवन स्टैंडर्ड में आएगा तब आप समझोगे। तो यही हुई प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसी के आधार पे आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस 3.9 है, जो आपको टेक्स्ट बुक में भी करनी है और नोटबुक में भी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।